हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोनी स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों, मैं हूँ अपने मायके में इस टाइम, और ये मेरा प्यारा सा गांव है, जो कि ये हमारे गांव वाला मतलब घर है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम में, पूरा टाइम अपने मायके में दे रही हूँ अपने आप को, और मस्त होके रह रही हूँ। मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे मायके, ससुराल और मायके में बहुत फ़र्क होता है। चाहे आपका ससुराल कितना भी अच्छा हो, बट मायके वाला फ्रीडम आपको कभी नहीं मिल सकता। तो वो खुशी ही, वो सुकून ही नहीं मिल सकता है जो सुकून अपने मायके में होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे बहुत सुकून रहता है। एंड बहुत ज़्यादा मेरे मतलब मेरे यहाँ जगह बहुत ज़्यादा है मायके में। मतलब गांव वाले घर पर भी काफ़ी फील्ड है घर के बाहर, और दुकान वाला जो घर है वहाँ भी बहुत फील्ड है। सो बहुत सारा पेड़ भी हमारे यहाँ लगा है। हमारे बाबा जी जो थे वो गांव के सरपंच थे, यानी मतलब प्रधान थे, और वो पूरा गांव चला रहे थे। 27 साल उन्होंने इस गाँव को दिया था, और अब उनकी डेथ हो चुकी है। पर पितृ पक्ष चल रहा है, इसलिए मैं उनकी बात कर रही हूँ, और उनकी तिथि भी आने वाली है। बट पापा ने भागवत करके उनको गया बैठा दिया है, और भागवत करके पूरे तरह से संपन्न कर दिया है सारे काम को, इसलिए बाबा का श्राद्ध तो नहीं होता, बट पितृ पक्ष में उनको याद जरूर उनकी आती है। एंड उनको एक दो ब्राह्मण जरूर खिला दिया जाता है। सो उन्होंने बहुत सारा पेड़ लगाया था, और वो सब आज बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। जैसे कि ये देखिए, ये लीची का पेड़ लगाया था, ये आम का। ये ट्विंकल दौड़ रही है, गिरना मत। तो हर कोई छिप रहा है, माही यहाँ छिपी है। क्यों छिप रही हो? सो ट्विंकल दौड़ रही है, खेल रही है। और आज बिल्कुल भी धूप नहीं है, दोपहर के 2 बज रहे हैं, शाम नहीं है। आपको लग रहा होगा शाम है, बट शाम नहीं है, दोपहर के 2 बज रहे हैं। और आज बिल्कुल भी धूप नहीं है, एकदम ठंडा ठंडा मौसम है, और सुबह से बूंदी भी पड़ी है 2-4 बार, तो काफ़ी धूप हो रहा था बहुत दिनों से। इसी धूप की वजह से मैं कोई ब्लॉग वीडियो नहीं शूट कर रही थी, क्योंकि मैं हमेशा बाहर ही निकल के वीडियो शूट करती हूँ, हरियाली वातावरण में मुझे अच्छा लगता है। पर इतना धूप हो रहा था कि मेरा मन नहीं कर रहा था, बट आज बहुत ठंडा ठंडा मौसम है, तो मैं छत पे निकली हूँ, तो मैंने सोचा वीडियो शूट करूँ। और दोस्तों, आप लोग, अभी मैं मायके में काफ़ी देर रहने वाली हूँ, अभी मैं पूरा टाइम मायके में ही रह रही हूँ, इसलिए मायके का ही आपको सारा ब्लॉग देखने को मिलेगा। और कल मेरे ससुर जी का भी श्राद्ध था, मतलब मेरे ससुराल में भी मेरे ससुर जी की डेथ हो गई है, उनका कल श्राद्ध था, तो वो भी बहुत अच्छे से माजी ने किया। मैं नहीं थी, मुझे इस बात का खेद था, मैं होती तो और भी मतलब जो भी मेरी भागीदारी थी वो मैं करती, बट मैं मायके में हूँ, तो अभी मुझे कुछ दिन रहना है। मैं नवरात्रि तक यहाँ पर रुकने वाली हूँ, और यहाँ हमारे जो मतलब मेरा मायका है वो नौगढ़ सिद्धार्थनगर में है, और यहाँ पर बहुत अच्छा है। ये गांव जो है वो टाउन एरिया में आ गया है, नगर पालिका में, और यहाँ पे बहुत अच्छा दशहरा मेला महोत्सव लगता है। मैं सोच रही हूँ उसका आनंद लेकर ही ससुराल जाऊँ। चलिए, आपको मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ब्लॉग आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा महोत्सव का। क्या हो गया? खेलो, हाँ तो खेलो ना। तो माही का और ट्विंकल का बहुत आपस में जमता है, उसकी दीदी है माही को, यहाँ पे माही दीदी मिल गई है ट्विंकल को, सॉरी ट्विंकल को माही दीदी उसकी मिल गई है, दोनों का बहुत जमता है आपस में। और मेरी जो भतीजी, इकलौती भतीजी है माही, माही हेलो बोलो सबको, हेलो। दांत टूट गया इसका, माही का कल ही 2 दांत टूटा है अभी, तो अभी ये सेकंड में गई है, माही भी सेकंड में है। और अभी मेरी इकलौती भतीजी है मेरे पास, एक भतीजा एक भतीजी, एक ही भाभी एक ही भैया, मतलब सब कुछ एक ही है, मेरा खानदान ही इकलौता ही चलता है। ये शादी भी अकेले में हुई है, मेरे हस्बैंड जी भी अकेले हैं, तो यहाँ पे सब नहीं, मेरी बुआ 5 है, अकेले नहीं। बुआ तो 5 है ना, बुआ की शादी जिससे हुई है वो अकेले हैं। हाँ, मैं 5 बहनें हूँ, मेरे भैया अकेले हैं। तो चलिए, मेरा प्यारा सा गाँव है, तो मेरा पाप प्यारा सा गांव है, यहाँ पे सब के घर काफ़ी बड़ा बड़ा फील्ड है। देखिए कितना सारा, कितना हरा भरा ये गांव है, मेरा गांव बहुत अच्छा लगता है। हेलो दोस्तों, दोस्तों को हेलो बोलो। हाँ हेलो दोस्तों, कह दो मैं अपने मामा के यहाँ खेल रही हूँ।
मैं नीचे जाऊंगी मम्मा। नीचे जाओगी? हाँ। जाओ देखो मामी क्या बना रही हैं। क्या? तो ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है, भाभी बना रही है हम लोग के लिए नाश्ता। तो नाश्ते में पता नहीं क्या बना रही है, तो चलिए आपको किचन में लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि भाभी क्या बना रही हैं। तो हमारे यहाँ ट्रैक्टर भी आया है इस समय, बाउंड्री में खड़ा हो रखा है। सो ये वाला आम बहुत ज़्यादा मतलब फरता है, और हम लोग बहुत ज़्यादा ये मतलब जून जून के टाइम में, गर्मी के टाइम में आम बहुत खिलाता है। हम लोग छत पर से ही तोड़ तोड़ के खाते थे। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं छत पे आती थी, चाकू लेके आम काटती थी और यहाँ बैठ के आराम से छत पे खाती थी। जब मुझे घर में खोजा जाता था सबको पता चल जाता था कि मैं छत पे आम खा रही होगी क्योंकि पापा बहुत डांटते थे कि आम नुकसान है मत खाओ। नाश्ता हो गया, भाभी बनाई थी मैक्रोनी और चाय। सो यूनिक टाइम है और झलवा भी पड़ा है हमारे हाथ। चलिए आपको दिखाते हैं, झलवा भी झूठते हैं। सो ब्लॉग आज का यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। ये माही मंदिर बनाई हो, बहुत सुंदर मंदिर बनाई हो माही। यहाँ पर हम तो मूर्ति बैठेंगे कृष्णा जी का, एक राधा जी का। और ये सब किसका घर है? ये ऐसे छोटा अभी पूरा बनेगा। बाप रे। और ये हमारा ट्रैक्टर, लेविन। तो दोस्तों आज मैं ट्रैक्टर चला रही हूँ, आप लोगों को भी सीखना है तो आ जाओ आज मैंने सोचा है कि मैं ट्रैक्टर चलाना सीखूंगी, क्योंकि मैं स्कूटी सीख चुकी, अब सब कुछ सीख चुकी, बस ट्रैक्टर ही बाकी है। तो आज के ब्लॉग में मैं ट्रैक्टर चला रही हूँ और आप लोग इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगी। आज मेरे साथ ट्विंकल भी ड्राइविंग, और जल्दी आइए क्योंकि हम सब अभी आपको नाश्ते में दिखा रहे हैं, जल्दी चलिए। तो हमारे बाउंड्री में भैया लाके ट्रैक्टर खड़ा किए हैं, तो हम लोग ने फ़ायदा उठा लिया। मैंने सोचा कि चलो ट्रैक्टर सीखते भी हैं, वीडियो भी बनाते हैं। हाँ चलो मैं उतरती हूँ, चलो अब कैसे मैं उतरूँगी, चढ़ तो गई हूँ, आवाज़ भी कुछ आ रहा है। तो ये देखिए हमारा गियर है और ट्विंकल भी ड्राइविंग पे सीट पे बैठ गई है। चलो उतरो ट्विंकल, चलो माही उतरो, बदमाशी मत करो। ये मेरा दिल, ये मेरा घर, ये मेरा हमला, ये मेरा घर कटारा। हमारे यहाँ झूला भी पड़ा है देखो पेड़ में, तो हमारा झूला भी पड़ा है। देखो दोस्तों हमारे यहाँ कितना सारा नींबू फरा है, ये देखिए, ये देखिए हमारे यहाँ कितना सारा नींबू फरा है। तो दोस्तों उस पर क्यों चढ़ रही हो, उतरो उतरो उतरो। तो दोस्तों हमारे मायके में नींबू का पेड़ बहुत ज़्यादा है और बहुत सारा नींबू भी फरा हुआ है, चलिए आपको दिखाते हैं। और तो माही मेरी भतीजी जो है ना वो बहुत बदमाशी करती है, हर कोई यहाँ पे बदमाशी करता है। ये देखो चढ़ी है, ये देखो, और गिरोगी तो गेट पर से गिर जाओगी। तो माही उतर जाओ, गिर जाओगी। चढ़ी जाओ, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मम्मी का वीडियो लाइक कर।